ख्वाहिश मेरी ही थी अमोल जी से उनके 70th बर्थडे पे. आई हैड सजेस्टेड कि सर ये तो सही नहीं है कि आप पेंटिंग्स बनाओगे और अपने हीरोइंस की स्केचेस नहीं बनाई आपने आज तक. तो उन्होंने मुझे सीरियसली लिया, इस बात की खुशी है मुझे. और आज हमें यहाँ इनवाइट किया है अपने एग्जीबिशन पर, वेयर ही स्केच्ड मी, जरीना, विद्या जी, दीप्ति, एंड आई एम जस्ट हैप्पी टू टेक दिस बैक होम. जरीना की भी पेंटिंग देखी आपने? स्केच बनाई. उनकी कैसी लगी? सब अच्छी हैं बट मेरी थोड़ी कलरफुल है. जी, तो और कुछ कहना चाहिए अमोल जी के बारे में? बिल्कुल, कि मुझे स्केच के बारे में तो कहूँगी कि आई एम वेरी हैप्पी. ऑफकोर्स आई एम हैप्पी, एंड उनकी सारी पेंटिंग्स देखकर बहुत अच्छा लगा. बहुत थॉट है इनके पेंटिंग्स के पीछे, एंड आई थिंक इफ़ यू स्टैंड एंड इवन अगर आप किसी एक पेंटिंग के सामने भी खड़े रहेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, दैट इट इज़ अ थॉट प्रोवोकिंग पेंटिंग. एंड मैं ये इतना कहना चाह रही हूँ कि मैं सालों बाद मिली हूँ अमोल जी को. मैं अपने परिवार में बिज़ी थी, अपने काम में बिज़ी रही, लेकिन आज मिलकर इतना अच्छा लग रहा है बिकॉज आई मेट हिम आफ्टर ईयर्स एंड ईयर्स, बट आई एम ग्लैड वी रिकनेक्टेड एंड आई एम ग्लैड वी रीयूनाइटेड. मैंने देखा कि काफ़ी पेशेंस रखना पड़ा आपको बैठ कर कि हाँ पेंटिंग बने, थोड़ा सा लेफ्ट राइट नहीं होना है, सेंटर देखना है. नहीं 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 नहीं, अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं वो, तो उनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी. वो बस बातें कर रहे थे हम, बिकॉज वी वर रिकनेक्टिंग, बातें कर रहे थे और बहुत अच्छा लगा आज उनके पास यहाँ आकर और अपना स्केच बनवा कर. थैंक यू. हाय, आई एम बिंदिया गोस्वामी दत्ता एंड यू आर वॉचिंग ऑसम टीवी.